गोदी मैं जा रहा हूं। भैया भैया हाँ शाम को पार्टी। पार्टी किस खुशी में? भैया कभी ऐसे भी पार्टी करनी चाहिए। बात तो सही कह रहा है। ओके शाम को पार्टी। यो सौरभ सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आज से तुम असिस्टेंट अकाउंटेंट। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे ही काम करते रहो। टिपटा स्वागत है आप सभी का दक्ष न्यूज चैनल में। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि देश भर में COVID-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर सरकार चिंतित है। बैठकों का दौर जारी है। एक बार फिर आपको बता दें कि देश भर में बढ़ रहे हैं COVID-19 के केसेस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस पर चिंता जाहिर कर चुका है। सौरभ हाँ जी सर, आपको टर्मिनेट कर दिया गया है, आप कल से मत आना। टर्मिनेट कर दिया सर, पर क्यों? COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और कंपनी लॉस में है, इसलिए कंपनी आपको टर्मिनेट कर रही है। आधी सैलरी पर भी काम कर लूंगा सर। आधी सैलरी की बात नहीं है सौरभ, मेरे घर में छोटा भाई है मेरा, उसकी देखभाल मुझे करनी है, मेरी तनख्वाह से घर चलता है। मेरे पास लिस्ट है, उसमें बहुत सारे बंदे हैं, कईयों की कई मजबूरियां, लेकिन हम क्या करें। शाम को आपको आपका चेक मिल जाएगा एंड दैट्स ऑल। भैया आप आ गए? हाँ गौती। भैया भैया क्या क्या हुआ? उदास लग रहे हो। कौन मैं? क्यों ऐसा क्यों लगा तुझे? नहीं नहीं कुछ नहीं है, तू चिंता ना कर। सौरव हताश निराश इस आशा में सुबह तैयार होकर दफ्तर से दफ्तर जाता था कि उसे कोई नौकरी मिलेगी। मायूस चेहरा हकीकत बयां कर देता था। हेलो हेलो सनशाइन प्लेसमेंट। हाँ जी जी मैं सौरभ बोल रहा हूँ। सौरभ मिश्रा। हाँ जी सिलेक्शन हो गया है। 3,000 जमा कराने होंगे, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। जल्दी डिपॉजिट कराएं वरना ये पोजीशन किसी और को भी दी जा सकती है। हेलो शाम तक डिपॉजिट करा दूंगा। ठीक है सौरभ। 3,000 नहीं दे सका, नौकरी तो करनी ही थी। उसे हेल्पर का काम मिला, वहां एसी की ठंडी हवा और अब धूप और पसीने से लथपथ, मन में उदासी और चिंता। नमस्ते आइए बैठिए। किराया दसो। दो दिन में ऐसे ऐसे घंटे नहीं लगते पे, तू कहता 2 दिन। मजबूरी समझे जी मजबूरी। तो पहली तारीख में भी एक किया जी तुसी ना 3 तारीख में ले रहे हूं 3 या 5 हो गई हूं दस किथे किराया 2 दिन टाइम दे। 2 दिन का मैं दे दूंगा किराया। मैं नहीं दूंगा, मैं मेरा किराया दे। सीधी गल सुन मेरी कान खोल के, जे तो 5 दिन च किराया देगा ठीक है, नहीं तो खाली कर दो जी।
के औरंगाबाद में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है, जिस पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों ने मुआवजे का ऐलान किया है। आपको फिर बता दें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह हादसा हुआ है, 16 मजदूरों की ट्रेन से कटकर मौत की खबर सामने आ रही है। सौरभ परेशान था, क्या करे क्या ना करे। फैसला लिया कि वो अपने काका के घर जाकर रहेगा। काका जी। अरे सौरभ, जीते रहो, सब कुशल मंगल। मेरी नौकरी चली गई। अरे कोई फिक्र ना कर बचुआ, हमारा ही तो घर है। काका मैं जा रहा हूँ शहर वापस। काहे शहर जा रहा है? कोती और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। मारेंगे, क्योंकि हम पे बोझ है। नौकरी मिल गई है और रहने का इंतजाम भी हो गया है, कोती यहीं रहेगा। काका ने कोशिश की कि सौरभ किसी तरह रुक जाए, पर सौरभ की जिद के आगे काका की एक ना चली। गौती, मैं कैसे सौरभ के जा सकता हूँ? सौरभ तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगा? क्या हो गया ये? सब कुछ खत्म हो गया आज मेरा।